हमारी मेहनत को सफल कीजिए, मार्केट गुरु को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मोटिवेशन के लिए हमें लाइक दीजिए और आपको आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो मिलते रहे इसलिए नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, जिससे आपका पैसा बढ़ता रहे, और इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर करना ना भूलें जिससे औरों का भी फायदा हो सके। थैंक्स। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश सिंह सूर्यवंशी आप सभी का स्वागत करता हूँ मार्केट गुरु में। और मार्केट गुरु में आज मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा SBI बैंक के बारे में, और SBI बैंक के बारे में इसके रिजल्ट और इसके टेक्निकल्स लेवल्स, आने वाले समय में मैं कौन कौन से लेवल इस शेयर में देख रहा हूँ वो सब आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो को मैंने पहले भी बनाया था जब ये शेयर आज से कुछ 3 महीने पहले, जब ये शेयर 230 रुपए की तरफ ट्रेड कर रहा था, तब मैंने आपको इस शेयर के बारे में बताया था। और उस समय उस वीडियो पे बहुत कम व्यूज आए थे, और उसके बाद ये शेयर ने जो तांडव मचाया है वही तांडव लगता है मुझे आने वाले समय में ये शेयर मचा सकता है। तो कृपया के साथ इस वीडियो में मैं आपको SBI से जुड़ी सारी फंडामेंटल जानकारियाँ और टेक्निकल जानकारियाँ बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, अगर मैं आपको शेयर जो करना चाहता हूँ, अगर मैं आपको बताने जाऊं, तो सबसे पहली बात देखिए, मार्केट कैप जो है SBI का है वो 3,54,397 करोड़ का है। स्टॉक PE जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा सस्ती लगती है। इस तरह का स्टॉक PE जो है इस कंपनी का जो है वो काफ़ी अच्छा है। मुझे लगता है कि ये कंपनी जो है, अगर कोई भी थोड़ा सा भी करेक्शन आता है तो ये कंपनी को ज़रूर, इस बैंक को ज़रूर खरीदना चाहिए। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है और अगर आपको पता है कि इंडिया जो है आने वाले समय में ग्रो कर सकता है, तो आप कृपया करके इस शेयर को ज़रूर खरीदें, अपने पोर्टफोलियो में रखें, हर करेक्शन में आप इसको खरीदें। मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप कोई भी फैसला लेने से पहले किसी न किसी एडवाइज़र से ज़रूर सलाह मशवरा कर लें। मेरी राय और आपकी राय अलग हो सकती है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, जब भी आप निवेश करें तो पूरी तरह से जो फैक्ट्स और फिगर मैं बता रहा हूँ उसे ज़रूर चेक कर ही फिर ओपिनियन बनाएं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है इस कंपनी का 4.99 है। मैं आपको बता दूँ, ये शेयर जो है बहुत बुरी स्थितियों से गुजर रहा था पिछले 3 सालों से। अब ये शेयर जो है धीमे धीमे उबरता हुआ दिखाई दे रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूँ तो 7.27 की है, जो फिर से बहुत ख़राब है। बुक वैल्यू जो है 281 की है, जो अच्छी बात लगती है। पर अगर मैं इसकी बात करूँ तो जो मुझे चीज़ें, अगर मैं इसकी बैलेंस शीट को भी देखता हूँ, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस कंपनी को 70,100 करोड़ का जो है इसने रेवेन्यू क्लॉक किया था दिसंबर 2020 में, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 71,026 करोड़ का था, जो 1,000 करोड़ का जो है कमी हुई है। पर आप सभी को पता है कि पैंडेमिक चल रहा है, और पैंडेमिक की वजह से थोड़ा ना थोड़ा जो है बैंक की जो गतिविधियां हैं वो थोड़ी धीमी सी हैं, इसकी वजह से ये थोड़ा जो इम्पैक्ट है आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपसे बात करूं तो कंपनी की जो फाइनेंशियल मार्जिन देखूं, तो पहले दिसंबर 2019 में -17 थी, जो अब हो चुकी है -26, जो कम होती हुई दिखाई दे रही है। अगर मैं आपको बात करूं तो कंपनी का जो टैक्स था पिछले बार 46% का था, जो अब हो चुका है 26% का। पर बड़ी बात यह है, नेट प्रॉफिट कंपनी ने इस पैंडेमिक में भी, जहां दिसंबर 2019 में 6,532 करोड़ का प्रॉफिट करती थी, वहां इस कंपनी ने प्रॉफिट को बरकरार रखा है और 6,258 करोड़ का जो है वो सेल्स किया है, जो हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है। पर सबसे अच्छी बात, अगर मैं इससे बात करूँ तो इस कंपनी का जो रेवेन्यू है मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, और रेवेन्यू जो है कॉन्स्टेंटली साल दर साल जो है वो बढ़ता हुआ है। और इस पैंडेमिक में भी इस कंपनी ने पिछले 4 क्वार्टर में 2,75,958 करोड़ का जो है वो है रेवेन्यू क्लॉक किया है, जो इंक्रीज़ है, मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो इंक्रीज़ है 2% का, जो काफ़ी अच्छा माना जाएगा। और अगर मैं बात करूँ फाइनेंशियल मार्जिन में, तो फाइनेंशियल मार्जिन में -27% का जो है गिरावट है, जो काफ़ी ज़्यादा जो है बेकार माना जाएगा। अब अगर मैं बात करूं तो सिंपल सी बात है, टैक्स की बात करूं तो कंपनी का जो टैक्स है अभी वो क्लियर नहीं किया गया है। पर नेट प्रॉफिट की बात करूं तो मैं आपसे बात कर दूं तो पिछले 12 सालों में इस कंपनी ने सबसे अच्छा पैट पिछले 1 सालों में क्लॉक किया है, जो 23,190 करोड़ का है, जो मुझे कहता है आप सभी को ये शेयर रिकमेंड करने का। और यही
वजह थी जब मैंने आपको इस शेयर को 200 रुपये पर रेकमेंड किया था। ये शेयर मुझे बहुत अच्छा लगता है और अगर आपको इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर विश्वास है तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, ज़रूर निवेश कीजिएगा, क्योंकि ये स्टॉक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आने वाले दिनों में ये एक बहुत अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। पर मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो जिन्होंने मेरे बोलने पर इस शेयर पर निवेश किया था, मैं उन्हें कहूँगा कि एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लें, नीचे में जाएँ तो उसे बेचें और फिर नीचे में जो लेवल्स में अभी आपको टेक्निकल लेवल्स में बताऊंगा तो वहां जाकर एक्यूमुलेट करें। और जो लोगों ने के पास ये शेयर नहीं है, मैं आपको लेवल्स बताऊंगा जहां आप इस शेयर को खरीद सकते हैं और आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और आने वाले दिनों में आपके क्या टारगेट हो सकते हैं। तो चलिए टेक्निकल जानकारी SBI बैंक की जान लेते हैं। तो सबसे पहली बात जहाँ मैं आके बात कर रहा हूँ आप सभी को, तो ये है SBI बैंक का है। मैं आपसे कहना चाहूँगा SBI का मैक्स चार्ट है। मेरे को जो लग रहा है, मैं आपसे कहना चाहूँगा ये शेयर जो है अब यहाँ से जो बिग सपोर्ट दिखाई दे रहा है, मैं आपसे कहना चाहूँगा इस शेयर का जो बिग सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 370, 373 का एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है ऊपर में। और उसके बाद अगर ये शेयर तोड़ता है तो मैं आपको बताऊँगा 350 तक के जो है वो सपोर्ट को नीचे में जा सकता है ये शेयर। आपको ध्यान देना है, इस शेयर को आप 370 टूटे तो आप 350 नीचे में, और टूटे तो आप इसको इस शेयर को ले सकते हैं 330। ये जो लेवल्स हैं नीचे में, ये शेयर जो है 330 तक जा सकता है। और अगर ये शेयर 330 तोड़ता है तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा ये शेयर 270 तक जा सकता है। पर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर ये शेयर 270 तक जाए तो धीमे धीमे इस शेयर को ज़रूर एक्यूमुलेट कीजिए। और मैंने अपने पिछले वीडियो में आप सभी को समझाया है कि आपको जो रूल्स लगाने हैं वो लगाने हैं 5 पार्ट रूल, जिसका मतलब ये है कि हर सपोर्ट के पास आप एक पार्ट खरीद लीजिए। इसका मतलब ये है कि अगर आपको 100 शेयर खरीदना है तो हर सपोर्ट के पास आप 20 शेयर खरीदते चले जाइए, और शेयर उस लेवल को तोड़े तो नीचे में फिर 20 और फिर 20 नीचे में कर करके आप एक्यूमुलेट कीजिए, ताकि जो एवरेज है आपका नीचे आएगा और जब शेयर में रिवर्सल आएगा तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। पर आने वाले दिनों में इस शेयर में हम टारगेट्स क्या देख सकते हैं, तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा जो टारगेट्स मैं देख रहा हूँ इस शेयर में आने वाले दिनों के लिए वो है, मैं आपको जो टारगेट दिखा दे जो मुझे दिखाई दे रहा है इस शेयर में आने वाले दिनों के लिए जो टारगेट हो सकते हैं। सबसे पहला टारगेट इस शेयर में, अगर मैं 350 को बेस मानूं तो इस शेयर का आने वाले दिनों में 525 का जो है वो पहला टारगेट आ रहा है। याद रखिएगा, 525 का पहला टारगेट और दूसरा टारगेट 700 का, 525 और 700 तक के जो टारगेट्स हैं इस शेयर में आने वाले दिनों में दिखाई दे रहे हैं। पर इस टारगेट के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कम से कम 18 महीने तक। 18 महीने तक आपको इस शेयर में इंतज़ार करना पड़ेगा 700 रुपये का। और अगर आपका व्यू 30 महीने का है तो ये शेयर 1000 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं आपको आने वाले दिनों में दिखाई दे सकता है। तो अगर आपको ये जानकारी एसबीआई से जुड़ी जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को, मैं आपसे कहना चाहूँगा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन के बटन को दबा दीजिएगा, क्योंकि समय समय पर मैं ऐसी ही टेक्निकल जानकारियाँ, ऐसे स्टॉक्स जिनको मैंने नीचे में रेकमेंड किया था उसी में ऊपर में कौन कौन से लेवल हैं जहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं, आपको कौन सा स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और ऊपर में कौन सा लेवल, जब भी कोई शेयर मेरे लेवल को तोड़ देता है तो ऊपर के लेवल जो है मैं आप सभी के साथ तुरंत शेयर करने आता हूँ। तो आप सभी से एक चीज़ कहना चाहूँगा, हमारे चैनल की मेंबरशिप जो है चालू हो चुकी है और उस मेंबरशिप से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आपको मैं उस मेंबरशिप में अपने व्हाट्सएप नंबर देता हूं, जिसमें आप कोई भी डाउट मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट शेयर से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। तो मेंबरशिप लीजिए और आपको मिलेगा उसमें मेरा 24/7 असिस्टेंट। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपको SBI से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन के बटन को दबा दीजिएगा, क्योंकि समय समय पर ऐसी जानकारी, ऐसे स्टॉक जो आने वाले समय में मल्टीपैकअप बन सकते हैं वो लाता रहता हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, बाय।